वहीं छतरपुर में बिजली वितरण केंद्र में विद्युत व्यवस्थाएं भगवान भरोसे चल रही हैं। एक तो भीषण गर्मी, ऊपर से बिजली का बार बार आना जाना लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। घटिया केबल जगह जगह फॉल्ट हो रहे हैं, जिससे सुधार कार्य भी प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें कि ग्वाल बाबा ट्रांसफॉर्मर डॉक्टर दिलीप त्रिपाठी के पीछे के रहवासी आए दिन केबल फॉल्ट होने से बेहद परेशान है। वार्ड पार्षद श्री राम प्रसन्न शर्मा ने बताया कि डॉक्टर दिलीप त्रिपाठी ग्वाल बाबा ट्रांसफॉर्मर पर अत्यधिक लोड होने से आए दिन केबल फॉल्ट हो रही है, जिससे बिजली सप्लाई भी प्रभावित हो रहा है। जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसे में आक्रोशित उपभोक्ताओं ने पावर हाउस कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान पावर हाउस कार्यालय में कई मेंटेनेंस आरजी चौरसिया को छोड़कर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी मौजूद नहीं था। एई मेंटेनेंस ने बताया कि शहर वितरण केंद्र में लाइन कर्मचारियों की कमी है, फिर भी बिजली सप्लाई चालू करने सुधार कार्य के लिए कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है। कुछ चिन्हित एरिया में बिजली सप्लाई प्रभावित हो गई है, जिसको दुरुस्त कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, अभी जैसे हमारे कुछ लोकेशन हैं जहाँ पे मतलब ज़्यादा समस्या आ रही है, तो वहाँ पे अभी वर्तमान में आपको जैसे ज्ञात ही है कि जहाँ चलता था वहाँ पे ठीक है ना। क्या होता है कि जब मैंने यहाँ 250 वाट पे काम चलता था, वहाँ 2250 वाट की एक एसी लगा रखी है, दो एसी हो गई तो 4500 वाट की हो जाती है। तो लोड बराबर बढ़ रहा है, संसाधन वही पुराने हैं, जिसके कारण ये केबल जो है अधिक लोड पड़ने के कारण खराब होती रहती है। फिर भी हमारा प्रयास है कि जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उससे हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रयास हमारा ये रहेगा कि समस्याएँ कम से कम हों और लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। हमारे वार्ड नंबर 22 में ग्वाल बाबा की डीपी है, जिसके संबंध में हम लोग करीब 4-5 दिन से परेशान हैं। रात को रोज लाइट जाती है, इनसे संपर्क किया जाता है और पर डे ये लोग सुधार देते हैं, अगले दिन उसी दिन 2-3 घंटे में फिर खराब हो जाती है। इस संबंध में हम लोग शिकायती पत्र लेकर आए थे डी साहब से मिलने के लिए, क्योंकि यहाँ MPV बड़ा भर्रा है और बड़ी लचर व्यवस्था है, कोई अधिकारी चिंता नहीं है। इसलिए हम लोगों का विचार है कि हम सभी लोग 12 लोग मिलकर ऐसे हिसाब से बात करेंगे और व्यवस्था सुधरवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सभी लोगों को भीषण गर्मी में राहत मिल सके।